हाय गाइस गाइस, श्रीलंका के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस था वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब वहां पे जो ग्रोथ रेट है, फॉरेक्स अकाउंट है, ये सारी चीजें जो है वो बिल्कुल निल होती चली जा रही हैं। अब इन्हीं सब चीजों के चलते यहाँ के जो पीएम थे उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था क्योंकि प्रोटेस्टर्स की डिमांड थी, जिसके बाद में एक नए पीएम अपॉइंट किए गए। लेकिन उसके बाद में अभी वहां के स्पीकर ने भी अनाउंस कर दिया है कि वहां के जो राष्ट्रपति हैं वो भी अपना इस्तीफा देंगे और उनका इस्तीफा आएगा 13 जुलाई को। ये प्रोटेस्ट इतना ज्यादा बढ़ गया था कि प्रोटेस्टर्स ने प्रेसिडेंट हाउस जो है या फिर जो उनका रेजिडेंस है उसके ऊपर भी अटैक किया और वहां के से प्रेसिडेंट तो बच गए लेकिन वहां पे जितनी भी लग्जरी चीजें थी, वहां का जो स्विमिंग पूल था, सभी लोगों ने वहां पे जाके खूब एंजॉय किया। और यहाँ पे आर्टिकल्स में ये बताया जा रहा है कि जो मेन रीजन है वो मेन रीजन इकोनॉमिक क्राइसिस है कि इतनी तेजी से अनप्रिडिक्टेबल तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे आ गया। आपके लिए सवाल है, कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करके बताइएगा कि श्रीलंका के अंदर सबसे पहली पीएम या सबसे पहले राष्ट्रपति फीमेल के रूप में किसको अपॉइंट किया गया था, उनका नाम कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करिएगा। एंड रेगुलर करंट अफेयर्स सुबह 7 बजे ओनली ऑन वाईफाई स्टडी चैनल।